Mr. Speaker. Mr. Speaker, pehle to let me congratulate you to be in the chair. It is an honor for me to be standing in front of you. Mr. Speaker, with your permission, I would like to be specific in addressing some of these concerns, Urdu maybe or Angrezi maybe. और विद योर परमिशन मिस्टर स्पीकर अलाउ मी टू से कि ये हमारे लिए एक यूनिक बात है पाकिस्तान में कि हम खुद ही कहते रहते हैं कि हम आइसोलेटेड हैं, हम गंदे हैं, हमसे बुरा कोई नहीं है, जबकि दुनिया आपके बारे में शायद ये नहीं कहती. एंड आई थिंक सेल्फ वर्थ कैन ओनली बी प्रोजेक्टेड, बट अगर आपकी अपनी सेल्फ वर्थ ऐसी है कि हम ही खुद, व्हाट डज आइसोलेशन मीन? लेट्स डिफाइन आइसोलेशन. टू बी द CFM इज आइसोलेशन. To hold the UNSC non-member seat every 4 years is isolation. G77 membership, पूरी दुनिया में 77 ममालिक, developing world plus one China, की chair होना, president elect होना isolation कहते हैं. मेरे नज़र में तो इसको isolation ही कहते. If you look towards Pakistan और Pakistan का role जो multilateral institutions में है, Pakistan को लोग हमें रोक रोक के कहते हैं कि जी Pakistan has much bigger role. Then its size. Pakistan का GDP देख लें और पाकिस्तान का डिप्लोमेटिक साइज देख लें. मेरे नज़र में आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू कम्प्लीटली डिसअग्री विद मिस्टर रमेश कुमार. उन्होंने जो कहा वो मेरे नज़र में उससे ऑपोजिट है. उन्होंने कहा एक मुल्क की फॉरन पॉलिसी बेहतर होगी तो एक मुल्क की इकोनॉमिक पॉलिसी बेहतर हो सकती है. एक मुल्क को आपने जितना वेट देना है आप उतना उसको GDP दे दें, वो उससे भी ज़्यादा वेट दे देगा. लेकिन इस वक्त पाकिस्तान की अगर आप फॉरन पॉलिसी डोमेन में वट वी बीन एबल टू अचीव एज अ नेशन, नॉट एज वन गवर्नमेंट. मिस्टर स्पीकर, आई थिंक एक सबसे अच्छी गवर्नमेंट वो होती है जो पाकिस्तान के लिए काम करे, ना कि किसी एक कलेक्शन ऑफ पार्टीज या कलेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए. सो वी आर वेरी हैप्पी टू स्टेट कि ओवर द ईयर्स पाकिस्तानी डिप्लोमैट्स, पाकिस्तानी स्टेट्समैन, पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू वर्ड्स ए पॉलिसी एंड टू वर्ड्स अ वेट इन द मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस विच इज़ परहैप्स लार्जर देन द साइज ऑफ योर GDP. मिस्टर स्पीकर, अब स्पेसिफिकली दो तीन चीज़ें. पहले तो क्योंकि चतराली साहब ने आफिया सिद्दीकी साहबा के बारे में कहा, उसमें आप यकीनन ये पहले से बात जानते हैं कि एज़ फार एज़ काउंसलर एक्सेस इज़ कंसर्न, एज़ फार एज़ फाइटिंग हर केस एट एवरी लेवल ऑफ द स्टेट इज़ कंसर्न, दैट हैज़ बीन ऑल्सो कंसिस्टेंट पॉलिसी ऑफ द स्टेट ऑफ पाकिस्तान अक्रॉस गवर्नमेंट्स. बट ऑब्वियसली हर मुल्क के एक अपने दायरा कार होता है, एक अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं, एक अपने कवानीन होते हैं, और वो उनकी सॉवरन राइट होता है. हमारा भी सॉवरन राइट है, हम उसको एक्सरसाइज भी करते हैं. सो दिस इज़ ऑल आई हैव टू से एंड टू से कि इस वक्त भी उनको काउंसलर एक्सेस दिया, हर किस्म की रिक्वायरमेंट्स को पूरा किया जाता है और उनका केस भी हर डिप्लोमेटिक सतह पर लड़ा जाता है. दूसरा, उन्होंने कहा कि जी यासीन साहब के केस में कहा कि जी आपने क्या कर दिया, आप जिहाद करें. देखें, जिहाद की डिफरेंट डेफिनेशन होती हैं. मेरे नज़र में हमें जिस किस्म का जिहाद करना है वो हम कर रहे हैं, और वो है डिप्लोमेटिक जिहाद. दैट इज़ फार मोर इफेक्टिव देन परहैप्स टाइप ऑफ जिहाद दैट यू माइट बी रेफरिंग टू. और मैं इसमें आपको ये बताती चलूँ कि अगर कोई मुल्क, आपने जिस हमारे यू नो नेबरिंग कंट्री का हवाला दिया, इफ़ अ कंट्री डिसाइड्स टू गो रोग ऑन इट्स ओन सिटीजन्स ऑन द वर्ल्ड ऑन द रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड द सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस एंड इट्स ओन यू नो सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट्स एंड कमिटमेंट्स टू इट्स पीपल एंड बायलैटरल कमिटमेंट्स, देन व्हाट कैन यू डू? कैन यू गो टू वॉर अगेंस्ट दम? ऑल यू कैन डू इज हाईलाइट द डायरेक्शन दैट दे आर गोइंग इन, the dangerous trajectory that they're following, which is a danger not only to its own citizens and to the Muslims residing in India but also to the non-Muslims residing in India. Because India today is not the secular nation that we look towards. India today has become a rogue state. India today has become a nation which is not going on the principles and the moral which were set by Nehru and Mahatma Gandhi, which was celebrated by the rest of the world. And the world, no matter what, is recognizing this shift in India. So all you have to do is sit pretty and let India do what it's doing. And obviously, आपने जो कहा कि जी हमने आवाज़ नहीं उठाई इसके ऊपर, देखें मैं आपसे फिर से पूछना चाहूँगी आवाज़ उठाने का मकसद क्या होता है, या आवाज़ उठाना आप किसको कहते हैं? ऊँचा ऊँचा चीखने को, या जो काम आपके ज़िम्मे हैं वो करने को? आपने BJP का एक हवाला दिया और उसमें मैं ये कहना चाहूँगी that the foreign minister of Pakistan himself
made telephonic calls to the Secretary General of the UN, to the OIC Secretary General. The OIC Pakistani diplomats worked day and night to make sure that the OIC gave a joint statement. और रमेश कुमार साहब ने कहा कि OIC का क्या फ़ायदा? देखिए, मुझे नज़र में OIC का फ़ायदा रहा है, रहेगा, लेकिन we like to believe that the OIC brings something to the table and we are very proud of the fact that the OIC को अगर आप पिछले कई महीनों में देखें, कई सालों में भी देखें, OIC की आवाज़ अब आपको नज़र आती है. OIC मुस्लिम आवाज़ का बगैर किसी खौफ से बोल रहा है. पहले आपको लगता था OIC एक सिंगल कंट्री से किसी से डर के, किसी से दबक के, किसी को कभी आवाज़ निकालता था कभी. अभी आपको कंसिस्टेंटली जो इशू आता है पूरी दुनिया में, बेशक वो हिंदुस्तान में आए, बेशक वो कहीं और आए, बेशक वो अमेरिका में आए, OIC की आवाज़ आपको नज़र आती है. सो आई थिंक द OIC इज़ डूइंग रादर वेल. वी आर प्राउड ऑफ द फैक्ट दैट वी आर पार्ट ऑफ द CFM एंड आई थिंक वी आर एब्सोल्युटली गोइंग इन द राइट डायरेक्शन एज फार एज दैट इज कंसर्न. मिस्टर स्पीकर, आफ्टर दैट देयर वॉज प्रीमियर इंस्टीट्यूशन. मिस्टर स्पीकर, बहुत एक आम बात है, आसान काम है कि किसी चीज़ का कुछ कहना हो तो उनके डिप्लोमैट्स को बुरा भला कह दें, आप ब्यूरोक्रेट्स को बुरा भला कह दें, आप अपने आप को बुरा भला कह दें, एंड देन एवरीबडी नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज. व्हाट वाज द प्रॉब्लम विद द प्रीवियस गवर्नमेंट? दे न्यू व्हाट वाज रॉन्ग, दे डिडंट नो हाउ टू फिक्स इट. वी नो, वी ऑल्सो, नोबडी हैज द आंसर. द नेशन टुगेदर हैज टू हैव द आंसर. एंड आई कैन जस्ट टेल यू दैट एज समवन हु सर्व्स इन व्हाट आई कंसिडर टू बी अ प्रीमियर इंस्टीट्यूशन, द फॉरेन सर्विसेज ऑफ, यू नो, टू बी इन अ पोलिटिकल पोजिशन ओवर देयर, लेड बाय द बाय बिलावल भुट्टो जरदारी, I have no qualms in saying that this is a premier institution which is defending the interests of Pakistan beyond its duty, and its diplomats are not only well trained but they go beyond the call of duty which is their duty, and they have a reputation in the world which is celebrated. So hame bhi kabhi kabhi thoda sa tareef bhi kar deni chahiye aur celebrate bhi kar dena chahiye, kyunki humne sirf apna पाकिस्तान का भार नहीं उठाया हुआ. मिस्टर स्पीकर, जैसे मैंने कहा, हम G77 में लीडरशिप रोल हमारे ऊपर होता है और आता होता है. OIC में लीडरशिप रोल अभी भी है और आता रहा है. सो ये हमने भार बाकी भी उठाए हुए हैं जो कि प्रिंसिपल्स के ऊपर मबनी है. उसके बाद मिस्टर स्पीकर, एट द एंड आई वुड जस्ट लाइक टू से, ये स्पेसिफिकली कहा गया कि ब्रिक्स के हवाले से, ब्रिक्स के हवाले से जी, इट्स वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन. आई थिंक वी ईच, हम चाइना से बेहतर अपने आप का कोई साथी नहीं मानते, कोई स्ट्रेटेजिक पार्टनर नहीं मानते, कोई ऑल वेदर फ्रेंड नहीं मानते. देयर इज एब्सोल्युटली नो डिनाइंग ऑन द फैक्ट दैट चाइना इज पाकिस्तान्स मोस्ट इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक पार्टनर, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्टनर, एंड वी आर नॉट स्केयर्ड ऑफ सेइंग दैट टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. वी ईच नीड what you call strategic space to be allowed to operate in our own arenas. So if China is part of BRICS, which is Brazil, Russia, India, China, which is a conglomeration where they have to work cooperating with each other, agreeing to disagree sometimes but agreeing to agree most of the times, and if a certain unfriendly country in its parochial interest, in its small mindedness, wanted to block a, you know, us and was able to do it, I don't think we should doubt China's intentions on wanting Pakistan to be a member, because we are not a core member of BRICS. BRICS ka matlab hi Brazil, Russia, India, China hai. Aur uske baad aapne Chinese hukumat se statement bhi dekh li jisme unhone kaha ki China bahut chahta tha aur China ka Pakistan ke sath global development partner leadership mein ek kareedi role raha hai aur Pakistan aur China Pakistan ka bahut important role usme recognize karta hai. So this is where they stand, this is where we stand. We all know a certain country stands somewhere else. Now we can't operate on behalf of that country. They have a sovereign right to stand against us. Now are we allowing them to make us unuseful or not to have a role? No, we're not allowing them to do that. But in BRICS, yes, they have a, you know, a core role which we don't have. हमारी कई और जगहों पे कोर रोल होता है, हमारा हार्ट ऑफ एशिया में कोर रोल होता है, हमारा फ्रेंडशिप ग्रुप्स कहीं हैं नेबरहुड के जिसमें कोर रोल होता है. सो मिस्टर स्पीकर, अलाउ मी टू जस्ट यू नो एंड बाय रीस्टेटिंग सम ऑफ द प्रिंसिपल्स दैट आई होप आर लीडिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान राइट नाउ, एंड दैट इज दैट द फॉरेन पॉलिसी ऑफ अ कंट्री इज इफेक्टिव, इट्स यूजफुल,
if it serves the interests of the people of that country, Mr. Speaker, the people of that country. And allow me to also celebrate that I think at many times we should allow ourselves the luxury to be able to own, celebrate, take forward any good that has happened by any previous government. Because when someone talks about Pakistan, he doesn't say that that government did this or that, he says that Pakistan is doing this. तो हम उनका कुछ अच्छा होगा उसको आगे लेके जाएंगे, उनकी कुछ गलतियां होंगी तो उनको करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, लेकिन एक डिफरेंस जो हम कोशिश करेंगे पूरा मुल्क देखे और पूरी दुनिया देखे वो ये देखे कि ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए काम करी है, किसी इंडिविजुअल किसी पार्टी के लिए नहीं, पाकिस्तान का एजेंडा और पाकिस्तानियों का एजेंडा फॉरवर्ड लेके जा रही है। थैंक यू वेरी मच। अब कट मोशन।